चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एवरेज पावर डिसिपेट इन प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल व्हेन एन एसी करंट इज पासिंग थ्रू इट। देखो जब इंडक्टर आप सिर्फ लगाते हो सर्किट में एसी सोर्स के साथ तो होता क्या है, ठीक है, करंट पीछे चलती है, इंडक्टर की वोल्टेज आगे चलती है, कितना पाई बाई टू। और एवरेज पावर का फॉर्मूला जब आप यूज करते हो 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, तो फाई ये पाई बाई टू है, ये जो पाई बाई टू लिखा है यही आपका फेज डिफरेंस है। तो फाई अगर फेज डिफरेंस पाई बाई टू है तो कॉस पाई बाई टू यानी कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है। तो एवरेज पावर कितना आ जाना चाहिए, जीरो, ऑब्वियस सी बात है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जीरो आएगा, तो डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।